समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच जो गठबंधन है, क्या उसने वाकई कोई आशा की किरण जगाई है? मोदी और बीजेपी वोट मांग रही है मुसलमान के खिलाफ। क्या वोटिंग कब है? 6 मई। वो पटना से है। हम तो ट्रक ड्राइवर हैं, हमारा नाम बबलू तिवारी है। गैस का चूल्हा मिला? नहीं मिला है। तो नवयुवक है, ये ग्रेजुएशन करके क्या कर रहे हैं बताइए, मोदी जी का राज। मेरा रंग रेज ये बाबू घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंग रेज ये बाबू। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। पल्स ऑफ इंडिया, जनता की नब्ज जानने के लिए हम पहुंचे बिहार। बिहार की राजधानी पटना से होते हुए हम पहुंचे आरा, बक्सर, डुमराव और चौगाई। पहले दौर में जो हमने लोगों से बातचीत की उससे बहुत साफ नजर आ रहा है कि मोदी के खिलाफ लहर है। ये बताइए कि 2014 का चुनाव भी आपने देखा? जी जी जी। अरे 2019 का है जी। मोदी के 5 साल आप कैसे देखते हैं? जो 2014 में मोदी लहर था वो नहीं है। मोदी के जितने वादे 2014 में उन्होंने किए थे उन्हें बचाने के लिए खुद भाजपाइयों के पास कोई तर्क नहीं है। वह सिर्फ एक बात कहते हैं कि विकास हुआ है या पाकिस्तान को ठोक दिया है, लेकिन तुरंत ही उसी चौराहे पर लोग ऐसे मिलते हैं जो सीधे सीधे पूछते हैं कि आखिर 5 साल पहले जो वादा किया था नौकरियों का, किसानों की आय का, बाकी विकास का, वो क्या हुआ? बताइए क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? यहाँ के माहौल जो है टक्कर की लड़ाई है। यहाँ मतलब ये नहीं है कि ये डिसाइड नहीं हो सकता, एक तरफा लड़ाई नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता है कि ना बीजेपी ही निकले या मतलब गठबंधन का लोग निकलेगा। जो भी है मतलब ये दिलचस्प लड़ाई होगा यहाँ पे दोनों में आरजेडी और बीजेपी। 5 साल के अंदर तो हमको नहीं लगता है कि ये सरकार जो है वर्तमान सरकार है बेरोजगार लोगों के नौकरी हो या चाहे किसी तरह का बेरोजगार हो दे दिया है, ऐसा तो नहीं लगता। पिछले दिनों 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उस राज्यों में नरेंद्र मोदी जी की हार हुई। उस दिन से लेकर के आज तक मंदिर मस्जिद का मुद्दा समाप्त हो गया। विकास के मुद्दे सारे गौण हो चुके हैं। विकास का कोई यूज नहीं रह गया है, केवल जातिवाद और ये आपको संप्रदायवाद के नाम पर इन लोगों को वोट लेने का मेन मकसद रह गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं है, गरीबी अमीर की लड़ाई है। ये तो उन लोगों को मुद्दा बनाया हुआ है लोग किसे, मैंने भाजपा का मुद्दा है कि हम पाकिस्तान को मटिया मेट कर देंगे, हई कर देंगे, हू कर देंगे, स्ट्राइक किया, फलान किया, ठेकान किया। ये तो इनके झूठों का मुद्दा है कि वोट हमारे तरफ पाएगा, लेकिन उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हमारे राजनेता, देश के नेता स्वयं अपने लूट रहे हैं, अपनी भत्ता, अपनी वेतन बढ़ा रहे हैं, अपने लिए सुविधा बढ़ा रहे हैं, लेकिन आम जनता की सुविधा क्या बढ़ा रहे हैं? आपको क्या मुश्किलें रहीं पिछले 5 सालों में? आप तो खेती भी करते हैं और हम लोग यहाँ हर चीज़ के मुश्किल है। खाद नहीं मिलता है समय पर, नहर में पानी नहीं मिलती है, बिजली नहीं मिलती है। लेकिन अभी तो मोदी जी का कहना है कि सारा देश भर का गांव और बिहार के सब गांव में बिजली आ गई, 24 घंटे बिजली रहती है। 24 घंटा बिजली कहाँ रहती है? हम लोग बटाईदार पर खेती करते हैं, हम लोगों को कनेक्शन नहीं मिलता है, तो हम लोग जो बटाईदारी लेकर के हम लोग करते हैं तो हम लोगों को बिजली उजली कनेक्शन वनेक्शन नहीं मिलता है, तो हम लोग तो ऐसे ही सूख धान रोपते हैं, सूख जाता है, जो होता है नहीं होता है तो नहीं होता है। हर एक चीज़ तो बढ़ गया है, कौन चीज़ घटा है? जो बढ़ता है वो घटता नहीं है, बढ़ते जाता है। हम लोग कहाँ ले, गरीब आदमी कहाँ ले, आदमी के यही तो गृहस्थी करता है, कुछ कुछ टूट बात अपन कमाते हैं। कादर बिहारी सिंह, लोगों की जो अपेक्षाएं 2014 में मोदी सरकार से जुड़ी थी, जिस तरह के वादे हुए थे वह पूरी की पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं, उसकी धज्जियां लोग इतनी दिलचस्प ढंग से सामने रख रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो जनता का विमर्श है और जनता का जो ज्ञान है, जनता के बारे के अंदर जो पॉलिटिक्स की समझ है वह इतनी तगड़ी और तीखी है, जिसके लिए बिहार की धरती खास तौर से जानी जाती है अपने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के लिए और पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, वह पूरा का पूरा हमें साफ दिखाई दिया। उम्मीद है कि वोट के समय और वोट के बाद जब गणना होगी, ये जो तीक्ष्णता है, ये जो शार्पनेस है, ये साफ वोटों में भी
नजर आएगी। नरेंद्र मोदी जी इस देश के जनता को पाकिस्तान दिखा रहे हैं, आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? जो पहला वादा करके गए थे 2014 में कि देश के नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, रोजगार क्या मिल गया? किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, क्या कर्ज माफ हो गया? मजदूरों के खाते में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, क्या वो आ गया? तो ये जुमलीबाजी की सरकार, पुनः हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि यदि सत्ता में आएगी तो पुनः इसी तरह से पूरे देश के जनता को उलझा करके और मूल समस्याओं से भटका करके रखने का काम करेगी, जैसे आज के डेट में 5 सालों में करने का काम किया है। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से नफरत की राजनीति फैल गई है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है। आपकी सरकार जब देश में आई थी, आपने विकास की बातें की थी, किसी भी मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी विकास का बात नहीं किया है, और ये हमारे देश के लिए सबसे, मतलब अभी तक के जितने ही प्रधानमंत्री बने हैं उनमें ये सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकास को बहुत पीछे छोड़ दिया है, जबकि ये प्रधानमंत्री बने थे विकास का नाम लेकर ही। आज विकास गायब है, 70 साल से ऊपर हो गया है। ये तो इससे पहले भी पाकिस्तान था, पड़ोसी देश था, उस समय भी हुआ करता था, आज भी हुआ करता है। ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने तो 1971 में पूरा लाहौर तक चढ़ाई कर दी थी, तो क्या कांग्रेस सरकार हमेशा रह गई? ऐसी बात तो है नहीं। इससे पहले स्ट्राइक तो कारगिल युद्ध आपको वाजपेयी जी भी लड़े थे, उससे क्या वाजपेयी को सफलता मिला उससे? इसलिए हम लोग इस बार उनके जुमले में फंसने वाले नहीं हैं। हम लोग इस बार नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। इस भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, भाई भाई के नारा देकर के, भाई भाई मान करके लोग अगर चलेंगे तो बहुत शांति मिलेगी। झोंपड़ी में भी रह करके खुशी मिलती है, लेकिन माहौल में भी रह करके खुशी नहीं मिलती है। जिस परिवार में, जिस देश में लोगों के अंदर तनाव हो, जातिवाद हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो, सिख ईसाई की बात हो, वहाँ शांति नहीं मिलेगी। जनता की तो चल नहीं रही है, जनता की सूझबूझ अपना खो दी है जनता। यहाँ जनता अगर थोड़ी सी सूझबूझ अगर काम ले, यहाँ की हर 5 साल के अंदर सरकार बदलनी चाहिए। इससे एक बात साफ है कि जनता अपने आप सॉल्यूशंस ढूंढ रही है, अपने आप जो मोदी का जुमला है, मोदी का जो प्रचार है, उसका जवाब खुद अपनी तरह से खोज रही है। मुद्दा तो हम लोग का है कि 5 वर्ष इनको मोदी को देख लिए, लेकिन वो अमीरों के सपोर्टर हो गए, धनी गरीब को कुछ समझते नहीं है, इसलिए हम लोग जो कांग्रेस का गठबंधन है, महागठबंधन, उसी को वोट देंगे। मोदी जी के जो चुनावी प्रचार में 14 में जो हम लोग देखे थे, जो प्रचार में बोले हैं, उस वादे पर खारा नहीं उतरे हैं, इसलिए हम लोग मोदी जी को वोटिंग नहीं करेंगे। हम लोग ये विकास के नाम पर हम लोगों से अगला बार चुनाव में वोट लिए थे, लेकिन विकास कुछ हुआ नहीं। मेजॉरिटी का मानना है कि मोदी सरकार अमीरों की सरकार है, गरीबों के खिलाफ खड़ी सरकार है।